हेलो एवरीवन, आज हम बीए सेकेंड ईयर का पेपर सेकेंड फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे। आज हम नया टॉपिक लेंगे जो है डिजीजेज ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। मींस डाइजेस्टिव सिस्टम में होने वाले जो भी डिजीज होती है, जो भी बीमारियां होती है, इनके बारे में हम आज बात करेंगे। अब देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसे कि हम हिंदी में पाचन तंत्र कहते हैं, तो ये जो पाचन तंत्र है यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि जितने अदर सिस्टम्स हैं, इन सभी सिस्टम से मिलकर के हमारी बॉडी बनी होती है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही वाइटल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, है ना। तो पाचन तंत्र जो है ये एक्चुअल में क्या काम करता है कि जो भी हम फूड कंज्यूम करते हैं ये हमारे पेट में जाता है, इस डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू वो पचता है, ठीक है। और यही फूड हमारे को क्या करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद जब ये फूड पच जाता है तो ये हमारे को क्या करता है, एनर्जी देने का काम करता है, ठीक है। हमारे शरीर में पचेगा, एनर्जी देगा, बहुत सारे जितने भी एनर्जी है या फिर जितने भी न्यूट्रिएंट्स है उनको हमारे शरीर को प्रोवाइड करता है, ठीक है। इससे हमारे शरीर के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि शरीर में होने वाली टूट फूट मरम्मत ठीक होती है ना। मीन्स हमारी बॉडी में एनर्जी हमें फिजिकल एक्टिविटी या कार्य करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इसी तरीके से प्रोटीन के अपने फंक्शंस होते हैं कि वो बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, हमारे शरीर में जितनी भी सेल्स और जो टिश्यूज होते हैं, ठीक है, इनको बनाने का काम करता है। और साथ ही अगर इनके अंदर किसी भी टाइप की रिपेयरिंग रिक्वायर्ड होती है तो वो रिपेयरिंग करने का भी ये काम करता है, ठीक है। तो बेसिकली डाइजेस्टिव, तो ये तो थे दो न्यूट्रिएंट्स की, ऐसे फैट के अपने फंक्शंस होते हैं, विटामिंस और मिनरल्स के अपने फंक्शंस होते हैं, है ना। तो ये सभी फंक्शंस जो होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से ही परफॉर्म हो पाते हैं, ठीक है। अब देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम का इसीलिए हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर डाइजेस्टिव सिस्टम अगर हमारा हेल्दी नहीं है तो हमारे शरीर में जो भी फूड आ रहा है ना वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा, और वो अगर डाइजेस्ट नहीं होगा तो या हमारे शरीर से ऐसे ही बाहर निकल जाएगा, तो ना हमें एनर्जी मिलेगी ना हमें किसी तरीके के न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से कई बार क्या होती है कि कुछ प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती है, या फिर अगर डाइजेस्टिव सिस्टम ही खराब है खुद ही इट्सेल्फ, तब भी क्या होता है कि कई सारे तरीके के डिसऑर्डर्स या डिजीजेस पैदा होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि एसिडिटी होना, कॉन्स्टिपेशन होना, डायरिया होना, अल्सर्स हो जाना, है ना, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम के जो मेन फंक्शंस होते हैं, ठीक है, जिसमें तीन फंक्शंस आते हैं, एक तो आता है डाइजेशन मींस पाचन होना, ठीक है, दूसरा है इसका अब्सॉर्प्शन, अब्सॉर्प्शन होना, ठीक है, जिसको कहते हैं अवशोषण, और तीसरा होता है मेटाबॉलिज्म मीन्स उपापचय, ठीक है, जिसे आप कहते हो चयापचय भी कहते हो, ठीक है। ये तो ये तीनों जो फंक्शंस होते हैं ना, तीनों सफ़र करते हैं, तीनों फंक्शंस नहीं हो पाते ना, तो फूड डाइजेस्ट हो जाए हो पाएगा ना, अब्जॉर्ब हो पाएगा ना, उसका मेटाबॉलिज्म या फिर हम कह सकते हैं यूटिलाइजेशन उसका हो पाएगा, उसका यूटिलाइजेशन भी नहीं हो पाता, हमारे शरीर में उपयोग भी नहीं हो पाता है, ठीक है। तो तीनों फंक्शंस उसके सफ़र होना शुरू हो जाएंगे, इसलिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का ठीक रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। अब देखिए, हम बात करते हैं कि अगर कई बार इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, तो इन्फेक्शंस की कंडीशन के अंदर भी क्या होता है कि जो ये फंक्शंस हैं ये उस टाइम पर भी सफ़र होना शुरू हो जाएंगे या ये प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, कौन कौन से जो प्रॉब्लम्स हैं जो बेसिकली डिजीजेज होती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, जिसमें सबसे पहली आती है पेप्टिक अल्सर, ठीक है। पेप्टिक अल्सर जो है ये एक टाइप की बीमारी है जिसके अंदर बेसिकली जो आमाशय होता है, ठीक है, आमाशय या फिर जो पक्वाशय है, ठीक है, मींस जो हमारा स्टमक है ये, और ड्यूडेनम, ये दोनों जो पार्ट होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के ये सबसे जल्दी अफेक्ट होते हैं। स्टमक जो पार्ट है
ये हमारा आमाशय इस तरीके का जो रहता है, और जो ड्यूडेनम पार्ट है ना, इसके बाद जब छोटी आंत जहाँ से शुरू हो रही है, तो छोटी आंत का जो पहला भाग होता है ना, वो ड्यूडेनम कहलाता है। ठीक है, तो ये तो है ड्यूडेनम भाग, और आमाशय जो होता है बेसिकली ये होता है। ठीक है, तो आमाशय का जो पाइलोरिस जो पार्ट होता है ना, ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है। और जब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत जिसका पहला भाग होता है पक्वाशय या ड्यूडेनम, वो ये जो भाग रहता है ये अफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये तो था पेप्टिक अल्सर, जिसके अंदर बेसिकली लेजन्स हो जाते हैं, घाव पड़ जाते हैं इसकी स्टमक की लाइनिंग के ऊपर या फिर पक्वाशय की लाइनिंग के ऊपर, तो जिससे क्या होगा कि वहाँ पे घाव पड़ने की वजह से उससे वो ब्लीड करने लग जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो डिसऑर्डर या प्रॉब्लम जो है वो होती है कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, देखिए कॉन्स्टिपेशन क्या है, ये भी एक टाइप की डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम ही होती है, जिसको हम हिंदी में बेसिकली क्या कहते हैं, कब्ज़ कहते हैं, है ना। बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, वो इससे अफेक्टेड होते हैं या इससे परेशान होते हैं कि भाई हमारा खाना अच्छे से नहीं पच रहा है, हमको कब्ज़ हो रही है ना, जिसकी वजह से भी कई सारी परेशानियां उनको देखने को मिलती है। ठीक है, बेसिकली कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम होती है ना, इसको आप ऐसा कह सकते हो कि हार्ड स्टूल का प्रॉब्लम है। ठीक है, जो मल होता है, जो अवशिष्ट पदार्थ है बॉडी का, वो कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से उसको बॉडी से एक्सक्रीट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखी जाती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से, और इसकी वजह से कई बार क्या होता है कि जब यह एनस से बाहर निकल रहा होता है, जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है, जिसको कि कहा जाता है गुदा कहा जाता है, तो यहाँ से जब यह बाहर निकल रहा होता है ना, तो उस टाइम पे बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है, और साथ ही साथ में ये क्या करने लग जाता है, ब्लीड भी करने लग जाता है, कई बार रक्त स्राव भी होने लग जाता है। ठीक है, जब सीवियर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है उस टाइम पर। ठीक है, तो ये है कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम। अगला है अतिसार का प्रॉब्लम, या जिसे हम कहते हैं डायरिया। डायरिया या जिसे आप कहते हो अतिसार, मींस जिसको लूज मोशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये इसकी ऑपोजिट कंडीशन होती है कॉन्स्टिपेशन की, है ना। कॉन्स्टिपेशन के अंदर क्या होगा, हार्ड स्टूल होगा, तो जो डायरिया की कंडीशन होती है, इस टाइम पर जो स्टूल होता है वो लूज हो जाता है। ठीक है, लूज स्टूल की कंडीशन होती है ये बेसिकली। ठीक है, तो इस टाइम पर क्या होगा, बॉडी के अंदर जितना भी पानी होता है वो भी हमारे शरीर से बाहर निकलने लग जाएगा, तो इस तरीके से ये मिनरल्स की भी हमारे शरीर में कमी हो जाएगी, तो इसको मिनरल जैसे कि पोटेशियम है, सोडियम है, ये बहुत ज़्यादा बाहर निकल जाएंगे, पानी बाहर निकल जाएगा, तब क्या होता है कि ये मिनरल की डेफिशिएंसी भी हम कह सकते हैं, मिनरल्स इसकी वजह से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, जब कभी डायरिया बहुत ही सीवियर हो जाता है, या इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो जाता है, कोई भी बैक्टीरिया या वायरस आ गया है बॉडी के अंदर, कोई पैरासाइट आ गया है, तो ये क्या करते हैं, कई बार ब्लीड भी करने लग जाते हैं, या इससे ब्लीडिंग भी होने लग जाती है डायरिया स्टूल के साथ साथ में। ठीक है, तो ये होती है बेसिकली ये प्रॉब्लम। इसके अलावा कई सारी और प्रॉब्लम्स हैं जिसके अंदर, जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ठीक है, डिस्पेप्सिया है, फ्लैटुलेंस है, या ट्रॉपिकल स्प्रू है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसमें देखी जाती हैं। हमें बेसिकली इन तीन डिजीज के बारे में बात करेंगे, पेप्टिक अल्सर, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया के बारे में। अब देखिए, अब हम बात करेंगे पेप्टिक अल्सर के बारे में। पेप्टिक अल्सर जो है ना, इसके बारे में हमने एक इंट्रोडक्शन तो ले लिया कि ये कौन सी होती है, या तो हमारे आमाशय या स्टमक में हो सकती है, या फिर ड्यूडेनल पार्ट में होती है। अब हम इसका मतलब समझेंगे। देखिए, अल्सर वर्ड हमने कई बार सुना हुआ है। अल्सर का मतलब क्या होता है कि घाव हो जाना, ठीक है, घाव हो जाना, या किसी टाइप के लेजन्स हो जाते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं बेसिकली, ये जो प्रॉब्लम होती है ये आपकी कहलाती है अल्सर्स की प्रॉब्लम। ठीक है, तो देखिए ये तो थे अल्सर। अब पेप्टिक जब नाम आ रहा है, मींस वो या तो आपके रिलेटेड होगा स्टमक से, या फिर आपके रिलेटेड स्टमक और आपके ड्यूडेनल पार्ट से रिलेटेड होगा बेसिकली। ठीक है, तो ये होता है अल्सर का मतलब। अल्सर के लिए ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में ही फैलने वाली बीमारी है, ठीक है, या प्रॉब्लम है, ये
सभी पूरे देश के अलावा बहुत सारे हमारे वर्ल्ड में जितने देश हैं उनमें रहने वाला हर व्यक्ति इससे प्रभावित हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इस कंडीशन के अंतर्गत क्या होता है कि जैसे कि हमारा स्टमक है, ठीक है, और ये ड्यूडेनम है, इसके बाद में अब क्या होता है कि जो हमारा स्टमक की जो लाइनिंग होती है ना, बेसिकली ये लाइनिंग, अब इसके ऊपर म्यूकस की, ठीक है, किसकी होती है, म्यूकस की क्या होती है, लेयर होती है, म्यूकस की लेयर होती है। ये म्यूकस की परत क्या करती है कि जब हमारा फूड आता है हमारे स्टमक के अंदर, ठीक है, पचने के लिए, तो क्या होता है उसको, उसका पाचन करने के लिए यहाँ पे उपस्थित होता है आमाशयिक रस, ठीक है, बेसिकली आमाशयिक रस जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो वो सिक्रेशन जो होता है, जो जूस होते हैं, ये यहाँ पर आकर के फूड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। तो क्या होता है कि इस आमाशयिक रस के अंदर क्या होता है, HCl जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, ये उपस्थित होता है। अब ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, क्योंकि ये अम्लीय प्रवृत्ति का है, एक प्रकार का अम्ल है, तो क्या होता है कि ये हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है, तो डाइजेस्ट करने, इसी से डाइजेशन होगा। अब क्या होता है कि अगर ये, क्योंकि अम्ल है बहुत ही हार्श होता है, इसलिए ये हमारे यहाँ पे हमारे जो स्टमक की लाइनिंग है ना, ये वाली, इसको अफेक्ट कर सकता है, इसलिए म्यूकस की लेयर यहाँ पे होती है जो कि एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। अब क्या होगा अगर किसी कंडीशन के अंतर्गत ये फूड यहाँ पर नहीं आता है, ठीक है, यहाँ पर ये वाला फूड जो है वो नहीं आता है, तो क्या होगा कि फूड नहीं आने की कंडीशन में तो जो आमाशयिक रस है, ठीक है, HCl, वो तो आ गया यहाँ पर। अब क्योंकि उसके पास डाइजेस्ट करने के लिए कोई फूड नहीं है, तो ये क्या करता है, जो म्यूकस की लेयर होती है ना, इसी को धीरे धीरे डाइजेस्ट करने लग जाता है, ठीक है। अब इसको डाइजेस्ट करेगा, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में इसको अफेक्ट कर देगा, काफ़ी लंबे टाइम तक जब इस तरीके के प्रोसेस चलते रहता है ना, तो हमारी जो म्यूकस की लाइनिंग होती है वो धीरे धीरे डैमेज होने लग जाती है, इसके अंदर घाव पड़ने लग जाते हैं। और सेम कंडीशन होती है ड्यूडेनम के अंतर्गत भी, यहाँ पर भी जो म्यूकस की लेयर होती है वो भी क्या होती है, कई बार फूड प्रॉपर नहीं आने की वजह से, अब ये आगे की तरफ मूव करेगा ना जब ये जूस, तो ये क्या करेगा, यहाँ की दीवारों को भी अफेक्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से म्यूकस की लहर खत्म होती है, तो सीधी हमारे स्टमक की जो लाइनिंग होती है वो आ जाती है, और अब यहाँ पे बड़े बड़े घाव पड़ने लग जाएंगे, इन घाव से ब्लीडिंग होने लग जाएगी, तो यही कंडीशन एक्चुअल में अल्सर्स कहलाती है, कि इनकी वजह से अल्सर हो जाना। और पेप्टिक का मतलब तो आपको समझ में ही आ गया, तो बेसिकली हमारे स्टमक और इससे ड्यूडेनम से रिलेटेड होता है। अब देखिए ड्यूडेनम में हमारे जो स्टमक है उसमें भी स्टमक का जो पाइलोरस वाला जो पार्ट होता है, ये पाइलोरिक द्वार जिसको हम कहते हैं, ठीक है, इस जगह को और जो ड्यूडेनम इसका जो पहला भाग है, इसको, इन दो ही चीज स्थानों को सबसे ज़्यादा ये प्रभावित करने का काम करता है, ठीक है। अगर ये कंडीशन बहुत ही लंबे टाइम तक चलती रहे, इसको ट्रीट नहीं किया जाता है, तो ये कई बार कैंसर की फॉर्म को भी अचीव कर लेती है, या कैंसर जैसी कंडीशन या स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। इसलिए इन प्रॉब्लम्स को टाइम पर क्योर करना बहुत ज़रूरी होता है। ये इस तरीके के जब लेजन्स हो जाते हैं ना, तो इन लेजन से क्या हो जाती है, ब्लीडिंग होना भी शुरू हो जाती है, ठीक है, रक्तस्राव होने लग जाता है। और जब ये रक्तस्राव होगा, तो कहीं अगर कभी इस पेशेंट को वॉमिटिंग हुआ है तो उसमें भी ब्लड देखा जा सकता है, या फिर जो उसका स्टूल है उसमें भी ब्लड देखा जा सकता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो मतलब प्रिवेलेंट प्रॉब्लम है वो ड्यूडेनल अल्सर्स ही सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं, जो स्टमक अल्सर है, ठीक है, ये थोड़े से कम देखे जाते हैं, है ना, स्टमक में होने वाला अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर जिसको कहते हैं, ये कम देखा जाता है, ठीक है। पेप्टिक अल्सर जो है, इसके भी दो टाइप्स होते हैं, ठीक है, दो तरीके का होता है पेप्टिक अल्सर। पहला है गैस्ट्रिक अल्सर और दूसरा है ड्यूडेनल अल्सर, ठीक है। अब आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, गैस्ट्रिक अल्सर जो कि आपके स्टमक के अंदर होता है, ठीक है, इस पाइलोरस वाले पार्ट में, तो ये तो आपका गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, और ड्यूडेनल अल्सर जो कि आपके इस वाले भाग के अंदर होता है, छोटी आंत के पहले भाग में, ड्यूडेनम भाग में, तो वो ड्यूडेनल अल्सर हो जाएगा। तो आपको बहुत इजीली अब समझ में आ रहा होगा, है ना। अब क्या होता है, देखिए इसका तो हमने बात कर ली कि HCl ही केवल प्रेजेंट है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ की जो दीवारें होती है उसको ये कंज्यूम करने लग जाता है या डाइजेस्ट करने लग जाता है HCl, इसलिए गैस्ट्रिक अल्सर होता है।
ड्यूडेनल अल्सर के और भी कारण हो सकते हैं, कि जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी के दिन है ना, तो जैसे कि जो, और ये ज़्यादातर देखी जाती है उन लोगों में बीमारी जो लोग एक तो खाने की नियमितता नहीं रखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मजदूर वगैरह हो गए, किसान हो गए, ऐसे जो लोग होते हैं ना लेबर का काम करने वाला, ऐसे लोग कई बार क्या करते हैं, अपना खाना टाइम पे नहीं खा पाते हैं, काफ़ी काफ़ी लंबे टाइम तक भूखे रहते हैं। या कोई और भी पर्सन हो, ज़रूरी नहीं है कि ये कोई लेबर क्लास के लोग ही हों, कोई भी हो सकता है जो अपने मील्स को बहुत ज़्यादा स्किप करता है ना, ऐसे लोग भी ड्यूडेनल अल्सर के बहुत जल्दी शिकार हो जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे पेप्टिक अल्सर के सिम्टम्स के बारे में। तो देखिए, जो पेप्टिक अल्सर है इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, सबसे पहला तो होता है स्टमक एक, ठीक है, पेट में दर्द होना, स्टमक एक जिसको कहते हैं, पेट में दर्द होना और इतना ज़्यादा पेन होता है कि वो सहन नहीं कर पाता है, ठीक है। और मेनली ये पेन जो होता है जब हम फूड कंज्यूम कर लेते हैं ना, फूड कंजप्शन के मतलब 2 to 3 hours के बाद में ये पेन देखा जाता है, ठीक है। कई बार 2 to 3 hours के बाद भी होता है और कई बार इसके पहले भी हो सकता है, जैसे 1 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे में भी ये दर्द जो पेशेंट है वो फील कर सकता है, ठीक है। इसकी वजह से उसकी जो हालत होती है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। शुरुआत में ये दर्द धीरे धीरे फील होगा, है ना, हल्का हल्का होगा, फिर रुकेगा, फिर होगा, फिर रुकेगा, है ना। लेकिन जैसे जैसे ये कंडीशन और ज़्यादा वर्स होने लगती है, बढ़ने लगती है, या इसकी कंडीशन ख़राब होने लगती है, तो दर्द बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। और अल्टीमेटली जो पेशेंट है उसको हॉस्पिटल एडमिट करवाना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा जो पेशेंट होता है उसको बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस होती है, ठीक है, कभी कभी चक्कर आना होता है, सिर दर्द होना, ठीक है, ऐसी तो हेडेक का प्रॉब्लम भी देखा जा सकता है, ठीक है, हेडेक होना या फिर चक्कर आना, है ना। अगर कभी कभी अगर जैसे पेशेंट को अगर हमारे को ऐसी चीज़ फील हो रही है, ठीक है, देखिए पेप्टिक अल्सर में एक्चुअली क्या हो रहा है, HCL जो है वो अम्ल बढ़ा रहा है ना, तो सिर्फ अम्लीय कंडीशन ही है ना पेट के अंदर, इसलिए प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो अगर आप यहाँ पर पेशेंट को अगर ये प्रॉब्लम होती है और अगर उसको एल्कली दे देते हो या फिर उसको क्षार खिला देते हो या सॉल्ट, किसी प्रकार के सॉल्ट दे दिए जाते हैं ना, तो उससे क्या होती है, इस कंडीशन को हम बैलेंस कर सकते हैं और उसके दर्द में थोड़ी सी उसको राहत मिल सकती है, दर्द उसका कम हो सकता है, ठीक है। जब पेप्टिक अल्सर की कंडीशन होती है ना, तो उस टाइम के अंदर हमारी बॉडी के अंदर आयरन का जो अब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, आयरन अब्जॉर्प्शन जो होता है वो कैसा हो जाता है, लो हो जाता है, ठीक है। लो आयरन अब्जॉर्प्शन एक्चुअली लो होने की वजह से क्या है कि हमारे शरीर के अंदर खून की कमी हो जाती है। पहली तो कंडीशन है क्योंकि लेजन्स है ना, लेजन्स है, घाव पड़े हुए हैं, तो जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है शरीर में, है ना, और साथ ही साथ में हमारी बॉडी के अंदर आयरन का अब्जॉर्प्शन भी लो है, तो क्या है, आपके शरीर में खून भी नहीं बन रहा है, तो एनीमिया की कंडीशन देखी जाती है, ठीक है। जो पर्सन है उसका जो वेट है, ठीक है, वेट डिक्रीज होने लग जाता है, वेट जो होगा वो डिक्रीज होने लग जाएगा, वजन कम होने लग जाएगा, वेट डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, देखिए, क्योंकि क्या है कि व्यक्ति प्रॉपरली खाना कंज्यूम नहीं कर पा रहा, जैसे ही वो खाना खाता है उसके पेट में दर्द होने लग जाता है, ठीक है, या फिर उसको वॉमिटिंग में निकल गया, तो अब क्या है कि जो रोगी व्यक्ति होता है वो खाना खाने में भी डरने लग जाता है कि अगर मैं खाना खाऊंगा तो मुझे वॉमिटिंग होगी या फिर मुझे मोशन होने लग जाएगा या मेरे पेट में दर्द होने लगेगा, तो वो इस डर की वजह से खाना नहीं खाता है, ठीक है। तो ये इसका सिम्टम हो गया एक, वेट इसीलिए डिक्रीज होता है। नेक्स्ट इसका जो सिम्टम होता है वो होता है कि जो विटामिन सी है, ठीक है, और जो विटामिन बी है, बी कॉम्प्लेक्स, इनका भी अब्जॉर्प्शन जो होता है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है, ठीक है, तो इसकी भी कमी के लक्षण दिखने लग जाते हैं, ये इसकी भी बीमारियां प्रकट होने लग जाती हैं, ठीक है। अगला है कि जो पर्सन की इम्यूनिटी पावर होती है, ठीक है, लो इम्यूनिटी पावर, ठीक है, इम्यूनिटी पावर भी कम हो जाती है, क्योंकि क्या है, विटामिन सी का अब्जॉर्प्शन प्रॉपरली नहीं हो रहा है ना शरीर के अंदर, तो विटामिन सी क्या करता है, एक्चुअली में हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम कर रहा है, कि दूसरे जो विटामिन है वो भी प्रॉपरली अब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पर लो इम्यूनिटी पावर हो जाती है, इम्यूनिटी जो पावर होती है वो कम हो जाएगी, ठीक है, तो जिसकी वजह से व्यक्ति है वो बहुत सारे इन्फेक्शन से, बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित होने लग जाएगा, ठीक है, इन्फेक्शन को बहुत जल्दी कैच करने लग जाएगा। इसके अलावा जो उसको कई बार वॉमिटिंग भी होने लग जाती है ना, उसको वॉमिटिंग भी होने लग जाती है इस प्रॉब्लम की वजह से। इसके अलावा
देखिए जैसे जी मिचलाना, ये प्रॉब्लम भी देखी जाती है, जी घबराना। अब क्या होता है, व्यक्ति जो होता है ना, उसका जो टेंशन होता है, ठीक है, टेंशन बढ़ जाता है, या जो स्ट्रेस का लेवल है, ठीक है, स्ट्रेस का लेवल कैसा होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब क्या है, देखिए, एक तो जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या टेंशन लेता है ना, तो उस ऐसे लोग अल्सरेटिव, जो पेप्टिक अल्सर होता है, वो होने के लिए प्रोन होते हैं। जो ज़्यादा टेंशन लेंगे, वो बहुत ही जल्दी उनको पेप्टिक अल्सर की बीमारी होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। पहली तो कंडीशन ये, और दूसरी ये कि जिन लोगों को पेप्टिक अल्सर है, अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या तनाव लेंगे ना, तो उसकी वजह से उनकी जो कंडीशन होती है, वो बहुत ही ज़्यादा वर्सन हो सकती है, बहुत ख़राब हो सकती है, ठीक है, बहुत बढ़ जाती है। इसके अलावा जो पर्सन है वो कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा, है ना, वीकनेस देखी जाती है उसके अंदर, ठीक है। तो अब उसको उठने की क्षमता नहीं रहेगी, उसको लगेगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, या मैं नहीं चल सकता, मैं कोई काम नहीं कर सकता, ये चीज़ें वो फील होती है। और कई बार उनका पेट भी, मतलब जैसे पेट फूलना, जिसको हम कहते हैं ना डिस्टेंशन होना या गैस बनना, ऐसी चीज़ें भी वो फील करने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये तो होती है बेसिक बेसिक इसके लक्षण होते हैं, ठीक है, ये क्या क्या सिम्टम्स हमको दिखाई देते हैं। अब हम बात करेंगे कि पेप्टिक अल्सर के कॉजेज क्या होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, आज के इस लेक्चर में हमने बात करी है पेप्टिक अल्सर के बारे में, या डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, ये हमने पढ़ा। साथ ही पेप्टिक अल्सर से हमने आज शुरुआत करी है कि पेप्टिक अल्सर क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, और इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, है ना। अब हम कल इस बात करेंगे इसके कॉजेज के बारे में, कि पेप्टिक अल्सर होने के क्या कारण होते हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, और क्या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है इस टाइम पर, और हमको मील प्लानिंग करते टाइम, या किसी अगर हम ऐसे रोगी से मिल रहे हैं, तो उसको हमको खाने में क्या क्या चीज़ देनी चाहिए, और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू।